हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर स्टडी पॉइंट में। क्विकर अप्रोच फॉर प्रीलिम्स के सेशन में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क की सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभी हम लोग प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कैसे सवालों को कम समय में, प्रीलिम्स लेवल के सवालों को कम समय में जल्दी करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट थर्ड, तीसरा सेशन है इस टाइम एंड वर्क की सीरीज का। पिछले के दो सेशन और हैं, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखी है, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाके जरूर देखें, उसके बाद ही पार्ट थर्ड को कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जो थोड़ा सा रिपीट हो गया, उसी पैटर्न पे होगा, तो मैं उन चीजों को वहां पे स्किप करके फास्ट मोड में चला जाऊंगा, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। 14 सवाल हम लोगों ने दो सेशन में देख चुका हूँ, आज हम लोग 15वें नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चल देखिए क्या है हमारा सवाल, क्या बोल रहा है हमारे सवाल में। ए रोड इज बिल्ट बाई PQR, PQR ने एक रोड बिल्ड करा, ठीक है। कैसे कैसे बिल्ड करा, कितने कितने दिनों में, 8 दिन में, 12 दिन में और 10 दिन में, अकेले जब काम करा तो when working alone, ठीक है। तो यहां से भैया 8, 12 और 60, 10 का जो है LCM हो जाएगा 60, ठीक है, सॉरी 120, मैं दो से गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है। और 8 से जब आप काटोगे तो 8 से ये कट जाएगा 15 बार में, 12 से काटोगे तो 10 बार में, और 8 से काटोगे तो ये 12 बार, ठीक है। अब यहाँ के बाद तुम देखो, यहाँ के बाद क्या बोल रहा है। इफ एवरी डे अलॉन्ग विथ पी, पी के साथ, मतलब पी तो रहेगा, तो पी रहेगा मतलब क्या, 15 का काम होगा ही। क्यू वर्क हाफ डे, क्यू आधा दिन तक काम करता है। भैया एक दिन में अगर उसने 10 काम करता है तो आधा दिन में वो कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, ठीक है। आर वर्क 2/3 ऑफ द डे, दो तिहाई काम करता है, तो किसका दो तिहाई, एक दिन में 12 काम, तो दो तिहाई यानी कि 8 काम, ठीक है। तो टोटल कितना काम हो गया, 28 काम हो गया, ठीक है ना। 4 दिन के बाद, तो भैया 4 दिन तक तो इन लोगों ने काम किया ना, कितना काम हो गया, 112 काम हो गया। तुम्हारा टोटल काम 120 है, तो काम बच रहा है कितना, 8, ठीक है। 4 दिन के बाद पी और आर स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय क्यू टू बिल्ड द रिमेनिंग रोड व्हाइल वर्किंग विद फुल डे, पूरा दिन काम करके, ठीक है। तो P का, Q का क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, जितना काम बचा वो और जितनी उसकी इफिशियंसी है वो हो गया। तो वर्क बाई में इफिशियंसी ही ना हमारा टाइम होता है, ठीक है। 4 और यहाँ से 5 बार में हो गया हमारा ऑप्शन नंबर B, 4/5, ठीक है। कितना ही आसान से सवाल था। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल। A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, B 12 डेज, C 15 डेज, टोटल वर्क कितना हो जाना है, 60, ठीक है। 10 से 6, 12 से 5, 15 से 4, ऑल ऑफ देम बिगेन वर्किंग टुगेदर, सभी लोगों ने काम को शुरू किया, ठीक है। A लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, A ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया। देखो मैंने ये सवाल बताया छोड़ने और पकड़ने वाले के बारे में लाइन कर खींच के, ठीक है। मैं उसे भी बताऊंगा, उसे बाद में बताऊंगा, पहले सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला सवाल में, ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, ए 2 दिन के बाद छोड़ देता, 2 दिन तक तो काम किया ना, 6 4 10 5 कितना, 15, 15 गुने 2। अब ए छोड़ दिया तो बी और सी करेगा, बी और सी कितना, 5 4 9, ठीक है। बी 3 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन, काम खत्म होने के 3 दिन पहले, मतलब बी और सी जो है कितना दिन किया नहीं मालूम, तो मान लिया हम लोगों ने एक्स, और काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी भी छोड़ दिया, मतलब अंतिम का 3 दिन कौन काम किया, सिर्फ सी काम किया, तो 4 × 3 कितना, 12, और इस तरीके से टोटल काम हो गया 12 और 30, यानी कि 42 में 60 चला जाएगा तो 18, एक्स की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 18/2, यानी 18/9, यानी कितना हो गया, 2 दिन तक। अब तुमसे सवाल में क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, काम कितने दिनों तक चला, तो भैया पहले चला 2 दिन तक, बी और सी ने एक्स दिन तक किया यानी कि 2 दिन तक, ठीक है, और यहाँ चला 3 दिन तक, तो 2, 2, 3 और कितना हो गया, 7 दिन, ये हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। कैसे बताया था मैंने, ये लाइन खींच के बताया था कि पहले ए बी सी काम करेगा, कितने दिनों तक काम करेगा, ए बी सी 2 दिन तक काम करेगा, ठीक है। फिर ए चला गया तो बी और सी करेगा, कितना दिन करेगा भी नहीं मालूम, लेकिन अंतिम के 3 दिनों में बी नहीं करेगा, तो अंतिम का 3 दिन में कौन करेगा, सिर्फ सी करेगा, हो गया यहाँ से एक्स डे। इसी चीज को जो है मैंने यहाँ पे ले जाके लिख दिया, बस इतना ही करा मैंने और कुछ नहीं करा, और ये चीजें मैंने तुम्हें पिछले के 2 सेशंस में बता रखी है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लो, सारा चीज बेसिक से लेके जो है ना एकदम सारा प्रीलिम्स में, मतलब पूरा टाइम एंड वर्क देख लोगे ना तुम, प्रीलिम्स में तुम टाइम एंड वर्क का सवाल छोड़ोगे तक नहीं, और इवन मेंस में भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है।
क्योंकि जब तुम्हें बेसिक्स पता होती है ना, तो तुम जितना भी ऊपर नीचे उथल पुथल कर लो सवाल में, तुम्हें सब आ जाना है, ठीक है। और उसका जड़ जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इसका जड़ है, इधर वाला जो ये है ना, ये जड़ है, ठीक है। इस चीज को समझो एकदम, मतलब आंख बंद करके किसी भी चीज के पीछे नहीं भाग जाना है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कहानी खत्म। चल आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो क्या। बी इज 50% लेस इफिशियंट देन ए, बताया था मैंने अभी जस्ट पिछले वाले सेशन में, मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब भी ऐसा बोले इफिशियंट, तो बी और ए का एक रेशियो लिख दो, इधर बी ए या ए बी, रिलेशन बस तुम्हें ध्यान में रखना है। 50% कम है किससे, ए से। तो अगर 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, जिसका मैंने 2 टोटल ले लिया, तो इसका कम 50% यानी कितना हो जाएगा। सी इज 25% मोर इफिशियंट देन बी, सी बी से 25% अधिक है। तो अब देखो मैंने पिछले वाले में क्या किया था कि इसी बी का यहाँ उतार दिया था, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो बी का 4 ले लेंगे, तो 25% अधिक, तो 4 में 1 बढ़ गया कितना, 5। एक अगर लेते हैं तो ये हो जाता 1.25। हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं फटाक से अब यहाँ पे क्या करूंगा कि ये बी है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे भी मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, वो बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या, बी अलोन कैन कम्प्लीट द वर्क इन 60 डेज, बी अकेले किसी काम को 6 दिन में, 60 दिन में खत्म करेगा। 60 दिन में खत्म यानी कि 60 × 4 हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए टोटल वर्क यानी कि कितना हो गया, 240। अब सवाल को समझो, देखो सवाल में क्या, ए लेफ्ट 1 डे बिफोर एंड बी लेफ्ट 6 डे बिफोर द कम्प्लीटेशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने के 1 दिन पहले ए छोड़ देता है और बी जो है 6 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। पहले डायरेक्ट अप्रोच देखो, बेसिक्स तो हमें समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 दिन अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि अगर वह 1 दिन पहले नहीं छोड़ा होता, ठीक है, तो 1 दिन पहले अगर नहीं छोड़ता तो 1 दिन में वो कितना काम करता, 8 काम, मतलब मेरा काम जो है वो 8 बढ़ जाता, ठीक है। अगर मैं बोलूं बी 6 दिन पहले नहीं छोड़ा होता, तो बी अगर 6 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 6 दिन में कुछ ना कुछ तो करता, 4 की एफिशिएंसी से 6 × 4 कितना, 24, ठीक है, 24 × 8 = 32, और यहां से हो गया तुम्हारा कितना, 200, ठीक है। अब ये 1 दिन पहले नहीं छोड़ता, 6 दिन पहले नहीं छोड़ता, इससे क्या हो गया कि शुरू से लेके अंत तक थोड़े दिमाग में जोर डालो कि अगर वो 1 दिन पहले नहीं छोड़ता, बी का भूल जाओ, ठीक है, अगर वो 1 दिन पहले नहीं छोड़ता तो क्या होता कि शुरू से लेके अंत तक वो काम कर रहा होता। ये मैंने क्या करा दिया, शुरू से लेके अंत तक, मतलब अब बी के बारे में भी मैंने ऐड कर दिया, तो ए बी जो है जो छोड़ रहा था वो अब छोड़ने का कहानी खत्म हो गया है। अब वो क्या हो रहा है, शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा है, और शुरू से लेके अंत तक कितना काम खत्म करेगा, 272, कितने दिन में खत्म करेगा, तो 4 × 8 4 × 12 और 12 × 5 कितना, 17। तो समय जो लगा हम लोगों को खत्म करने में वो लगा 272/17, 17 से काट दोगे 16 दिन, मतलब मेरा पूरा काम जो है वो 16 दिन तक चला। अब देखो क्या निकालेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच ए वर्क, ए ने कितने दिनों तक काम किया, तो ए क्या हुआ था, 1 दिन कम ना काम किया था, तो 1 दिन जब कम काम किया तो 16 - 1 यानी कितना हो गया, 15 दिन हो गया, हमारे सवाल का आंसर 15 दिन। अब इसी सवाल को अगर हम इक्वेशन बेसिस पे करेंगे तो इक्वेशन बेसिस पे कैसे, तो जड़ जान लो, ठीक है, ताकि घुमा हुआ सवाल आएगा ना, मैं बता दूंगा, एक सवाल मैं ला दूंगा जहां पे तुम्हारा ये मेथड भी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, वर्स्ट सिनेरियो के लिए रेडी रहो कि खराब से खराब परिस्थिति में भी अगर आए तो हम लोग उसको डील कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है हमारे सवाल में, अगला सवाल में क्या बोल रहा है, इसी को हम लोग इस तरीके से इक्वेशन वाइज देखते हैं। अगर हम बोल दें कि मेरा टोटल टाइम जो है काम को खत्म होने में वो एक्स डे का है, ठीक है, टोटल टाइम जो है वो एक्स डे का है, तो ए कितना दिन तक काम करेगा, 1 दिन कम, बी कितना दिन तक, 6 दिन कम, और सी तो कुछ नहीं है, तो सी एक्स दिन तक काम करेगा। 8 के इफिशियंसी से ये x-1 दिन काम किया, अब फिर देखो 4 के इफिशियंसी से ये x-6 डेज काम किया, और ये 5 के एफिशिएंसी से एक्स डेज तक काम किया, और इस तरीके से टोटल कितना काम मेरा खत्म हो गया, तो टोटल मेरा 240 खत्म। अब तुम यहाँ पे 8 × 1 अगर माइनस में है इक्वल टू के इधर 240 है मेरा, ठीक है, माइनस में है तो इधर आके क्या होगा, प्लस में, 6 × 4 कितना, प्लस में 24 इधर आके। अब इधर क्या बचा, 8x, 4 12x, 4 5, देखो तो यही इक्वेशन यहाँ पे आया क्या, सेम वही चीज आया कि नहीं आया। यहाँ से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 16 आ जाएगी और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 कम यानी कि 15, दैट्स इट, सेम प्रोसेस है ना,
लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। मैं एक सवाल लेके आऊंगा, कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ये याद रखना, ये 17 नंबर सवाल था, मैं वहां पे पॉइंट आउट कर दूंगा कि वो 17 नंबर सवाल, ठीक है? तो उस सवाल में तुम जाके फिर से वापस देख सकते हो। तो ये चीज को समझना कि हर बार जो है जरूरी नहीं है कि ये वाला फंक्शन काम करे, तो ये वाला फंक्शन काम कब करेगा, ये भी एक सवाल होता है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है? तो जहां पे भैया दो आदमियों के बारे में चर्चा किए हुए है कि दो बंदे, कोई भी दो एबीसी में कोई भी दो बंदे अगर कुछ दिन पहले छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो हर एक जगह जहां पे हम लोग कर सकते हैं, तीन बंदे भी जा रहे हैं तो कर सकते हैं, एक बंदे भी जा रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है? और कहां नहीं होगा ये मैं सवाल आएगा तो मैं वहां पे बताऊंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन याद रखना कि बीच में किसी ने भी कोई किसी के बारे में ये नहीं दिया हुआ हो कि इसने इतना दिन काम किया, इसने इतना दिन काम किया। अगला एक सवाल होगा इसी सेशन में कि उस टाइम में हम लोग क्या करें, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखो। ए टैंक हैज 4 इनलेट पाइप, 4 इनलेट है, पाइप से है, घबराना नहीं, टाइम एंड वर्क ही है, भाषा मैंने बदल दिया, बस पाइप लगा दिया, चारों भरने वाला है, नेगेटिव नहीं है अभी, ठीक है? अब चारों है तो नाम ले लेते हैं एबीसीडी। फर्स्ट 3 इनलेट पाइप ओपन टूगेदर, टैंक कैन बी फिल्ड इन 12 मिनट। पहला तीन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी कितना दिन में भरता है, 12 मिनट, ठीक है? थ्रू द लास्ट 3 इनलेट, लास्ट के तीन से 15 मिनट, लास्ट का तीन कौन सा हो गया, बी सी और डी, कितना देर में, 15 मिनट, ठीक है? फर्स्ट एंड लास्ट इनलेट, पहला और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला डी है ये, ठीक है, डी, इट्स डी, वो कितना देर में भरता है, 24 मिनट। हम लोग यहां से टोटल वर्क मान लिए 120, 10, 8 और 5, ठीक है? अब यहां से तुम देखो एक चीज, तुम्हें निकालने के लिए क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन बाय लास्ट पाइप टू फिल द हाफ ऑफ द टैंक। हाफ ऑफ द टैंक मतलब हमें पूरा काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, 60 काम करना है। किसके द्वारा, डी के द्वारा, लास्ट वाला कौन है, डी है, मुझे डी की इफिशियंसी जाननी है। अच्छा, डी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, ए प्लस डी मालूम, कहीं से मुझे ए माइनस डी मिल जाए तो डी निकल जाएगा, ठीक है? अब यहां देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं घटा दूं तो बी और बी खत्म, सी और सी खत्म, क्या मिल गया मुझे, a माइनस डी मिल गया, कितना मिल गया a माइनस डी, 10 में 8 चला गया, कितना बच गया, तो यही दो इक्वेशन को ना घटाया मैंने, इधर भी 10 और 8 घटेगा ना। अब मुझे d चाहिए, तो अगर तुम इसमें एक्सपर्ट हो तो भैया तो तुम्हारा आंसर आ गया। कैसे एक्सपर्ट होते हैं इसमें, 5 में d अगर निकालना है, छोटा वाला निकालना है, ये तो तय है कि a बड़ा है, d छोटा है, छोटा वाला निकालना है, 5 और 2 का अंतर को 2 से डिवाइड कर दो, बस। टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम के सवालों में ऐसे सवाल अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है? अगर मुझे a निकालना रहता तो मैं क्या करता, 5 और 2 को जोड़ के 2 से भाग दे देता, यानी कि वो हो जाते 3.5, दैट्स इट, इतना ही करता, ठीक है? अब मुझे टाइम जानना है तो मैं 60 को क्या करूंगा, 1.5 से डिवाइड कर दूंगा, 40 बार में कट जाएगा, हो गया आंसर, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 40 मिनट, ठीक है? तो सवाल को ऐसे करना है, इस तरीके से अप्रोच लेना है, कुछ नहीं होता है, ये थोड़े से डरावने सवाल होते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ नहीं होता, थोड़े ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है? तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है, डरना नहीं है, चीजें जब समझ में आती है ना, चीजें जब हमें लगता है कि हाँ मुझे ये चीज आता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता, जब सीखोगे नहीं तो कहाँ से आएगा, ठीक है? सीखते रहना है, पूरा सेशन देख लेना टाइम एंड वर्क का, प्रीलिम्स में अगर एक सवाल छूट गया तो मुझे बता रहा, ठीक है? अगर तुमने सही से सीखा होगा तो चलो आगे बढ़ते हैं हम अगला सवाल। अब देखो इस सवाल में क्या है, मैं इस सवाल के लिए पर्टिकुलरली बात, क्या बोल रहा है, पी कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 डेज, 2/5 भाग जो है वो 6 दिन में करता है, ठीक है? अच्छा, तुमने एक सवाल देखा होगा कि तुमसे आता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम, ध्यान रखना सेम लिखा हुआ होता है, सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है? वहां पे सेम लिखने का मतलब क्या होता है, दोनों सब बराबर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 2/5 बोला, 1/3 बोला, तो हम लोग इसके बेसिस पे ये जज करके निकाल सकते हैं ना कि भैया आधा काम अगर तुम 20 दिन में करते हो तो पूरा काम 40 दिन में करोगे, एक तिहाई 10 दिन में करते हो तो पूरा एक काम 30 दिन में करोगे, ठीक है? ऐसे एक बार समझना, अगली बार से हम लोग इस चीज पे ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, ठीक है? 2/5 यूनिट जो है मैं कर रहा हूँ 6 दिन, तो मैं 1 यूनिट कितना दिन में करूंगा, 6/2/5, 2 से 3 यानी कितना, 15 बार, यानी P सिमिलर उस काम को, पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन, कुछ नहीं करना है, ऊपर में जो है ना नंबरेटर में
उस नमरेटर को इधर दिए हुए समय से काट दो तीन बार में और नीचे वाले को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर, दैट्स इट। हर एक केस में यही करना है, एक काम निकालने के लिए। वन थर्ड है, वन से क्या ही काटना, तीन को ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू पूरा काम कितना दिन में करता, 30 दिन में करता। टोटल काम हम लोग मान लिए 30, इफिशियंसी 2 और क्या हो गया 1। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, पी एंड क्यू कैन कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन, 4/5 भाग कितना दिन में करेगा, तो 30 का ही ना 4/5, देखो एक से बताओ, 30 का ही ना 4/5 वो करेगा, तो 30 का 4/5 कहने का मतलब क्या हो गया, 5 से 6 यानी कि 24 बार में। अब कौन करेगा, पी और क्यू मिल के करेगा, 2+1 कितना 3, 3 से 2 बार में, 4 2 कितना डेज हो गया, 8 डेज हो गया, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी, इतना ही ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। जस्ट समझो सवाल को, और सवाल इतना आसान हो जाएगा जिसका जवाब नहीं है। पहला टाइप था 3 दिन के सेशन में, तीसरे सेशन में टाइम नंबर का, और ये सवाल आगे मिलेगा तो मैं आगे मैं और लेके आऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें मैं अगर मान लो पूछ दूं कि मान लो 4/7 काम जो है मैं 24 दिन में करता हूँ, ठीक है, तो एक काम मैं कितना दिन में करूंगा ये मुझे कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। मैं कमेंट में आपका वेट कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ तक दिख रखा है तो कमेंट में वेट कर रहा हूँ, आप मेरे को बताओ कि एक काम जो है आप कितना दिन में करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या, काफी अच्छा सवाल, उमदा सवाल, देखो। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए और बी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, 20 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी कितना दिन में, 20 दिन। दे बोथ स्टार्ट वर्किंग टूगेदर एंड आफ्टर 8 डेज, 8 दिनों के बाद, ठीक है। अब यहां से समझो, टर्म्स को समझो और भाषा को सिर्फ एक चीज में समझो। अगर कोई दो आदमी मिलके किसी काम को 20 दिन में करता है और उन दोनों ने 8 दिन तक काम कर लिया, तो काम कितने दिन का बचा, दिमाग में आ रहा होगा ना, 12 दिन का काम बच रहा है ना। अब इसके बाद देखो, अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो दिमाग में जोर डालने की जरूरत है, ठीक है। लॉकडाउन में तुम्हारा दिमाग जो है थोड़ा सा सुस्त हो गया है, उस पर थोड़ा जोर डालो और थोड़ा उस पर देखो, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ए गॉट इल, ठीक है, 8 दिन के बाद क्या हो गया, ए बीमार पड़ गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ड्यू टू ए सिकनेस, ए के सिकनेस के वजह से ए का एफिशिएंसी फॉल डाउन हो जाता है 40% से, मतलब वो 40% गिर जाता है, तो ए कितना परसेंट से काम करेगा, 60% यानी 3/5 से काम करेगा। जो ए अपना ए इफिशियंसी से कर रहा था वो अब कितना इफिशियंसी करेगा, ए का 3/5 से। बी को ऐसा कुछ नहीं हुआ, बी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला, टोटल वर्क जो है अब कंप्लीट होता है 24 दिन में, और उस 24 दिन में से मैंने अगर 8 दिन कर लिया तो कितना काम बचा मेरा, 16 काम बचा, 24 में 8 चला जाएगा 16, 8 दिन मैंने कर लिया ना भैया, तो 8 दिन अगर मैंने कर लिया तो कितना काम बचा मेरा, 16, और 16 दिन में मेरा काम खत्म हो गया, कौन सा काम, यही जो बचा हुआ काम था ना, ये दोनों काम तो बराबर हो गए ना, दोनों बचा हुआ काम ही ना कर रहे लिटरली, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर दो, ए बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहां पे देखो, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार दिख रहा होगा, ये 4 बी है और ये 3 बी है, तो इधर आके ये बी दे देगा, दैट्स इट। यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो ये 3A है और इसमें तुम्हारा जो घटेगा 4 3 12A/5 घटेगा, 15 में 12A चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3A/5, और ये किसके बराबर होगा, B, A और B यानी कि हमारा रेशियो में आ गया 5 and 3, रिस्पेक्टिव इफिशियंसीज निकल गए हमारे, ठीक है। इफिशियंसीज जब निकल गए तो अब हमारा सवाल में क्या है, ये देखो, अभी भी सवाल बहुत ट्विस्टेड, बड़ा मजेदार सवाल है। Then find in how many days B alone can complete the remaining work after A got sick, ठीक है। B अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, किस काम को, जहां से जहां के बाद A बीमार हुआ, मतलब A के बीमार होने के बाद जो काम बचा उस काम को अगर B अकेले करता तो कितना दिन में करता, तो ये दोनों ही तो A के बाद बीमार होने वाले काम है ना, किसी भी एक को पकड़ लो, ठीक है, तो किसी भी एक को पकड़ लोगे तो ए और बी का एफिशिएंसी 5 3 8 हो जाएगा, तो काम कितना है ए के बीमार होने के बाद का, 8 × 12। अब इसे कौन करेगा, अकेला बी करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 से काट दो इसे 4 बार, 8 × 4 का कितना हो गया, 32 हो गया, यानी 32 डेज में जो है वो कौन कर देगा, बी कर देगा, कहां से कर देगा, ए के बीमार होने के बाद से, मतलब वो इतना बीमार हो गया कि वह आगे काम नहीं कर पाए,
ठीक है, ये यूं मान लो कोरोना हो गया उसको, ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, समझने के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम जो है इस सवालों को देख सकते हो, उम्मीद करते हैं ये तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है और यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक दबा के जाना, तब मिल देंगे अगले सेशन में। तो पर अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें, कहीं पे भी अपनी पढ़ाई पे ढिलाई नहीं दें। सारे लोग जो पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आगे लॉकडाउन के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, सारे चीज जैसे ही नॉर्मल होंगे, वो जो है हम लोग का एग्जाम लेना फिर से शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो उस समय आपको ये रिग्रेट ना रहे कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ा ही नहीं और बाकी लोग तो पढ़ लिए, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है और सब चीज को आगे लेके चलना है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखें। थैंक यू।